कैनडा इंडिया रिलेशनशिप ये एक बहुत बड़ा टॉपिक इसलिए है कि आलमोस्ट क्लोज टू टू मिलियन पीपल ऑफ़ इंडियन बैकग्राउंड लिव इन कैनडा तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है कैनडा की थर्टी सेवन मिलियन पॉपुलेशन में और अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का भी एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है अपने पॉलिटिकल कंपलशन की वजह से प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो भारत का बहुत जिक्र नहीं करते और अवॉइड करते हैं मगर अब इंटरनेशनल स्टेज पे वर्ल्ड स्टेज पे भारत का जिक्र किए बग़ैर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो भी नहीं रह पा रहे और ये वो सारी बातें हैं जो आज हम करेंगे एक ऐसे गेस्ट के साथ स्टूडियो के अंदर जो इन सारे इश्यूज पे गहरी नजर रखते हैं और ना सिर्फ गहरी नज़र रखते हैं बल्कि कनाडा इंडिया रिलेशनशिप में अपना किरदार भी अदा करते हैं चाहे वो बिज़नेस का कॉरिडोर हो चाहे वो कल्चरल हो चाहे वो रिलेशनशिप का हो और चाहे वो मीडिया का हो और मेरे साथ इस वक्त इम्पैक्ट मीडिया और इमैक के फाउंडर एंड डायरेक्टर विपुल जानी भाई स्टूडियो में मौजूद हैं वेपुल भाई आ, स्वागत आपका आ, बहुत बहुत धन्यवाद गुड मॉर्निंग आप, आप स्टूडियो में आए बहुत बहुत शुक्रिया मैंने थोड़ा सा पीछे बांधा मैंने कहा कि थर्टी सेवन मिलियन टोटल पॉपुलेशन हाँ में आ, हम लोग रहते हैं हाँ। अगर भारतीयों को छोड़ के अगर आप साउथ एशियन को भी डालें जैसे बांग्लादेशी श्रीलंकन पाकिस्तानी तो एक मिलियन ये भी बल्कि ओवर वन मिलियन ये भी बन जाते हैं कि सब के सब हम भारतीय हेरिटेज के हैं हाँ हाँ. जो मर्जी अपने आप को कहें अपने बारे में झूठ बोलें जो मर्जी कहें तो वी आर ऑलमोस्ट थ्री टू फोर मिलियन पीपल जस्ट थर्टी सेवन मिलियन पॉपुलेशन एंड ग्रोइंग एवरी ईयर एंड ग्रोइंग ठीक है इस सारे में पहले तो हमारे व्यूर्स को बताइए कि इम्पैक्ट मीडिया आई मैक का जो जर्नी है और आपका अपना जर्नी है हुँ. वो कैसे हुआ कब आप कैनेडा में आए और कैसे सारा ये काम शुरू हुआ कैनेडा um, में तो मैं आया था 2000 में में uh, आज से 22 साल पहले सो so, uh, काफ़ी अलग था उस वक्त तो पॉपुलेशन uh, इतनी नहीं थी पॉपुलेशन uh, इतनी सिग्निफिकेंटली विजिबल भी नहीं थी uh, इतने ज़्यादा आपने कोई टेम्पल्स वगैरह नहीं थे बिजनेस uh, कम्युनिटी भी इतनी स्ट्रॉगली uh, रिकग्नाइज नहीं थी एसोसिएशन uh, इतने शायद ज़्यादा नहीं थे सो so, uh, उसके बाद uh, ये काफ़ी ग्रोथ होना शुरू हुआ अभी पिछले पाँच सात साल से तो आप स्टूडेंट ले लो या स्किल्ड इमीग्रेंट ले लो uh, जो आज इमिग्रेंट्स कनाडा में आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर अभी शायद इंडिया इज एट नंबर वन और ये ट्रेंड आने वाले भी बीस साल तक रहेगा uh, क्योंकि कैनेडा को चाहिए स्किल्ड uh, इमिग्रेंट्स इंडिया के पास काफ़ी है टू प्रोवाइड सो इट वर्क्स फॉर बोथ कैनेडा एंड इंडिया तो मेरा ख़ुद का तो जर्नी 2000 से स्टार्ट हुआ कनाडा में बैकग्राउंड वैसे मेरा मीडिया से है आ, आज करीब 1989 से मैंने स्टार्ट किया था टाइम्स ऑफ इंडिया से तो 89 से लेके आज तक थर्टी थ्री ईयर्स और प्रीवियसली मैंने इंडिया टुडे के साथ भी काम किया टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ भी काम किया आ, कुछ और पब्लिकेशंस में काम किया आ, तीन चार साल में ईस्ट अफ्रीका में रहा नैरोबी में कन्या में तो वहाँ पे भी केन्या युगांडा के कुछ पब्लिकेशंस के लिए मैं लिखता था और 22 साल में से करीब 17, 18 इयर्स मेरे ख़ुद के न्यूज़पेपर्स थे कैनेडा में तो मेरा इंग्लिश का भी न्यूज़पेपर था गुजराती का भी था एक पूरा मेरा रेडियो का भी शो हुआ करता था एक कम्युनिटी डायरेक्टरी में करता था एक बिज़नेस डायरेक्टरी भी थी एंड देन आई वाज ए मेंबर ऑफ सेवरल इंडो कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशंस पैनोरमा इंडिया में भी था एक टाइम में ब्रीफली एज अ डायरेक्टर तो काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ की मीडिया रिलेटेड काफ़ी काम किया एंड देन दी जो डाइवर्सिटी मीडिया बोलते हैं या यू नो एथनिक मीडिया जिसको बोलते हैं सो उसके सिचुएशन स्टार्टेड चेंजिंग नॉट फॉर द बेटर ट्वेंटी ट्वेल्व के आसपास एंड देन इट बिकेम अग ऑफ अ चैलेंज टू सस्टेन द क्वालिटी और मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि कोई भी चीज़ जो करो वो दिल से करो अच्छी करो अगर ना कर सको तो फिर कुछ और करो यू नो रादर देन कॉम्प्रोमाइज आपकी आपके एथिक्स या आपकी वैल्यू सिस्टम उसमें ना आपका फ़ायदा है ना किसी और का फायदा है एंड देन यू कैंड फेस योर इन द मिरर एट द एंड ऑफ द डे एट द बिगिनिंग ऑफ़ द डे मैं जब मिरर में देखूँ तो मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ सो इट वॉज गेटिंग टू दैट पॉइंट कि जहाँ पे बड़ा मुश्किल हो रहा था uh, एक क्वालिटी uh, जर्नलिज्म uh, को मैंटेन करना सो देन इट वॉज़ अ वेरी हार्ड डिसीजन एंड आई डिसाइडेड टू सेल द न्यूज़ पेपर एंड मूव आउट सो दैट्स वॉट आई डिड इन ट्वेंटी फिफ्टीन सो ऑलमोस्ट छब्बीस साल की मीडिया करियर के बाद uh, एक करियर का एक एक पीरियड आता है हर एक uh, की लाइफ में सो ट्वेंटी फिफ्टीन में वो मेरा फेस था एंड देन आई वॉज जस्ट टैरिंग इन अ ब्लैक होल कि अब क्या करें यू you नो know, कुछ और किया नहीं लाइफ में कभी uh, तो मुझे एक डेढ़ साल लगा uh, कई बीच में मैंने एक दो और भी कुछ और कोशिश की रियल इस्टेट का लाइसेंस लिया मोटगेज का लाइसेंस लिया पर कुछ जम नहीं रहा था यू नो सो एज दे वंस ए जर्नलिस्ट ऑलवेज ए जर्नलिस्ट तो कुछ uh, दिमाग में बैठ नहीं रहा था क्या करें यू नो वेर आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट कुछ अपने लिए मीनिंगफुल काम हो and then uh, an opportunity came to uh, to work for a uh, indo-canadian organization um, and then i joined them. so those contribute, yeah, i don't want to get into those names, But but uh, that brought me back uh, to my strength, uh, you know, which was uh, working with business leaders, political leaders, um, and showed me uh, a way forward. Okay, this is what I, I am made for. maybe joe was had the यू uh, नो you know, कि अगर आप लाइफ में कुछ डिफिकल्ट फेज फेस नहीं करते हैं तो देन यू आर स्टक विद द स्टेटस को इंसान अपनी लाइफ में इतना एडजस्ट हो जाता है कि उसको आगे का कुछ दिखता नहीं है यू डोंट चैलेंज योर सेल्फ और आपका ग्रोथ भी नहीं होता फिर यू you नो know, आप उसी सर्कल में घूमते रहते हो आपके बिल्स पे हो रहे हैं यू नो बट उसमें कोई लॉन्ग टर्म का कोई गेंद नहीं है किसी को एंड देन आई से चलो एक एक हिसाब से जो अच्छा हुआ बिकॉज काफ़ी मैंने uh, मार भी खाई लाइफ में यू नो एक्सपीरियंस भी कम था कोई गाइड करने वाले नहीं थे सो आई लर्नड लॉट बाय मेकिंग मिस्टेक्स यू नो सो आई एम मच मोर रिचर नाउ इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस सो 2018 से आई एम बिन फोकसिंग प्राइमरीली ऑन दी कैनेडा इंडिया कॉरिडोर तो उसके अंडर में आई डू लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस राउंड टेबल्स इवेंट्स आई होस्ट डेलीगेशन ऑल्सो अभी रिसेंटली जो अपने इंडिया के नए हाई कमिश्नर आए हैं कैनेडा में मिस्टर संजय कुमार वर्मा तो उनके लिए हमने एक वेलकम रिसप्शन किया था ब्रैमटन के लायन हेड गोल्फ क्लब में विच वॉज वेरी वेल रिसिव्ड मोर देन हंड्रेड एंड टेन पीपल पार्टिसिपेटेड तो अभी ये इस्पेशली आई मेक के प्लेटफॉर्म में आई बिन डूंग इट अंडर सिंस ट्वेंटी नाइनटीन कंपनी सेम कंपनी है सिंस टू थाउजेंड आई री इट इन ट्वेंटी तो पिछले चार साल से आई वुड से आई एम वेरी प्रिविलेज वेरी ऑनर्ड कि आज ऐसा सिचुएशन चार साल के बाद क्रिएट हुआ है दैट प्रैक्टिकली एनी वन दैट आई इन्वाइट दे मोस्ट ऑफ देम पार्टिसिपेट चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो अलग अलग कैनेडियन प्रोविंसेस के डेप्यूटी प्रीमियर्स हों मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो एम हो सिटी काउंसिलर्स हो रीजनल काउंसिलर्स हो हाई कमिश्नर्स हो काउंसिल जनरल्स हो इवन यू एस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कैबिनेट मिनिस्टर्स बैंक्स के लार्ज बैंक्स के प्रेसिडेंट सी ऐसे बिजनेस ओनर्स जिनका 100 मिलियन 200 मिलियन में टर्न हैं मोर देन दैट यू नो सो जैसे जिसको हम इन शॉर्ट मूवर्स एंड शेकर्स बोलते हैं मोस्ट ऑफ दैम नाउ पार्टिसिपेट वेरी वेरी रेगुलरली एट ऑल आई मेक इवेंट्स राउंड टेबल्स कॉन्फ्रेंसेस सो इट फील्स वेरी गुड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम बैक डूंगू एंड नाउ आई कैन सी सम पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल्सो है आपने बहुत अच्छे ढंग से हमें बताया जो आपका जर्नी रहा उसके कॉन्टेक्स में आपने बताया कि 2000 में आप आए तब कम्युनिटी भी कम थी मुझे भी याद है मैं भी 1998 में इस देश में आया हाँ। तो इस तरह के वो जो हमारे नंबर्स थे या इस तरह की जो हमारी एक्टिविटीज थी वो नहीं थी नहीं। अभी आपने हाई कमिश्नर जो भारत के हमारे यहाँ पे नए आए हैं संजय कुमार वर्मा जी उनके साथ किया एंड थैंक यू आपने हमें भी इन्वाइट किया हम भी वहाँ पे थे और वो बहुत बढ़िया इवेंट था जो वहाँ पे बातें हुई मैं उन्ही बातों को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ वो आपके आई का एक तरह से एजेंडा है कैनेडा इंडिया कॉरिडोर आपने कहा कि सभी वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग बिजनेस के हों पॉलिटिक्स के हों वो आपके यहाँ आते हैं बात करते हैं अब जो इस वक्त हमारा नंबर है एटलीस्ट टू मिलियन तो ही है ही है और हमारे बैकग्राउंड के जो लोग हैं साउथ एशियन उनका थ्री टू फोर मिलियन नंबर है यहाँ पर तो यहाँ की पॉलिटिकल कंपलशन भी हैं मैंने अपने परिचे में कहा था प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का अपना वोट बैंक है उनकी अपनी सोच है इससे पहले प्राइम मिनिस्टर हार्पर थे तो उनका एक डिफरेंट था स्टाइल और अब फिर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो भी ट्रबल में हैं देखेंगे आगे जाकर कि 2025 के इलेक्शन में क्या होता है तो इस सारे कॉन्टेक्ट में ये बताइए कि इस वक्त कैनेडा और इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं उनके राह में क्या रुकावटें हैं और क्या उन दोनों कंट्रीज के चूंकि हम हम लोगों का दोनों देशों से ताल्लुक है राइट ठीक है कंट्रीज तो क्या रुकावटें हैं और क्या अच्छा भी चल रहा है थोड़ा सा हमारे व्यूज को ये भी बताइए श्योर सी रुकावटों में तो आ, एक ही चीज़ है जो कि इंडिया ने अभी समझ ली है और अभी कनाडा को समझने की जरूरत है वो है वोट बैंक पॉलिटिक्स ये 75 फाइव के आ, रिसेंट हिस्ट्री में हमने देखा बैक इन इंडिया बाय द वे आप भारत बोलते हैं बड़ा अच्छा लगता है आ, मेरी हर एक स्पीच में मैं इंडिया दैट इज़ भारत दैट इज़ हिंदुस्तान ऐसे बोलता हूँ तीनों नाम बट आजकल इंडिया इंडिया ही हो रहा है भारत वर्ल्ड बड़ा कम सुने देता है सो थैंक यू फॉर मेरा सिविलाइजेशन से चूँकि तो हाँ, हाँ हाँ सो so काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में सो so, ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स ही है जो कि कनाडा को भी डुबो रहा है uh, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की मैं बात नहीं कर रहा बट ओवरऑल uh, किसी भी कंट्री की पॉलिसीज इसके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बननी चाहिए ना कि शॉर्ट टर्म आ, में गेन को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनल पॉलिटिक्स होता है हमेशा हर एक पॉलिटिकल पार्टी का वोट चाहिए बट uh, वो वोट आपको सभी लोगों के लिए अच्छा काम करके भी मिल सकते हैं रादर देन डूइंग बिट्स एंड पीसीज फॉर दिस कम्युनिटी दैट कम्युनिटी यू नो उसमें लॉन्ग टर्म में, में नुकसान ही होता है बिकॉज देन यू आर पीटिंग वन कम्युनिटी अगेंस्ट दी अदर यू नो वन काइंड ऑफ पीपल अगेंस्ट दी अदर काइंड ऑफ पीपल तो ये सारी राजनीति हम uh, भारत में बहुत सालों से देख चुके हैं और अब ये रियलाइजेशन हो रहा है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते हैं तो दैट अप्लाइज टू ऑल नेशंस वो कनाडा पे भी इतना ही लागू होता है और डिप्लोमेसी में चलो एक विजिट आपकी ख़राब हो गई हिंदुस्तान में जब गए थे प्राइम मिनिस्टर टूडो हो गया हो गया अभी उसको आप रिवाइंड नहीं कर सकते टेप को राइट तो उसको पकड़ के बैठे रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है यू मूव ऑन यू लर्न from दोज things, राइट right? कोई परफेक्ट नहीं होता कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता कोई देश भी परफेक्ट नहीं होता तो गलतियाँ होती है सबसे होती है उसको एक्सेप्ट करो एंड मेक श्योर देट यू मूव ऑन फ्रॉम दैट अदरवाइज उसका एक्सपीरियंस का फ़ायदा क्या हुआ इफ़ यू लर्न इफ़ यू डोंट लर्न एनी थिंग फ्राम इट एज जैसे बोलते हैं ना इफ़ यू डों डोंट लर्न फ्राम योर मिस्टेक्स यू आर बाउन टू रिपीटिड तो अभी वही हो रहा है कि उसको ईगो इश्यू बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है उसको पकड़ के बैठे रहने का कोई फायदा नहीं है आ, और एक और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने का भी कोई फायदा नहीं है और कनाडा का कोई तुक नहीं बनता कि वो इंडिया की इंटरनल राजनीति में किसी प्रकार से कोई दखल दे राइट right? आज आपका पॉपुलेशन गिन लो आज आपका मिलिट्री पावर गिन लो इकोनॉमिक पावर गिन लो हर एक लिहाज से इंडिया इज वे हेड तो इट्स अ राइजिंग पावर वो ध्यान में रखते हुए कितना डायस्पोरा यहाँ पर है नॉट ओनली नंबर्स बट कॉन्ट्रीब्यूशन देख लो आप इंडो कैनेडियन कम्युनिटी का यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन देख लो आप पॉलिटिक्स तो ठीक है वेरी विजिबल तो नोटिस होता है राइट right? इतने एम हैं आपके इतने एम हैं अलग अलग प्रोविंसेस में भी है हर जगह पर है बट आप फंड रेज की बात करो किसी भी हॉस्पिटल्स किसी भी वर्दी कॉज के लिए जो फ़ंड रेज होता है कैनेडा में अगर कोई ऐसी किताब लिखे मेरे हिसाब से किसी को लिखनी चाहिए कि हॉस्पिटल्स के लिए क्रिटिकल चीज़ों के लिए स्कूल्स के लिए आज जो फंड रेज हो रहा है कनाडा में अलग अलग गाला वगैरह में ये वो बहुत सो होता है उसमें इंडो कैनेडियंस का कंट्रीब्यूशन क्या है दे आर कंट्रीब्यूटिंग बिग मनी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरीवेयर तो वो सिर्फ नाम के लिए तो नहीं हो रहा कई ऐसे डोनर है जो एनोनिमस भी होते हैं जो अपना नाम भी नहीं देना चाहते कुछ ऐसे लोगों को मैं भी जानता हूँ पर्सनली जो कि डोनेट करते हैं काफ़ी और दे में के कंडीशन कि मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए राइट right? कहीं पे भी लिखो नहीं बोलो भी नहीं दिखाओ भी नहीं बट पैसे देते हैं तो ऐसे कई लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं अच्छे काम को सपोर्ट भी करते हैं सो so, ये कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन कम्यूनिटी का इंडियन औरिजिन लोगों का कैनेडा में है तो उसको रेकग्नाइज करने की ज़रूरत है और अगर दोनों कंट्री के बीच में अच्छे रिलेशन होते हैं तो उसमें इंडिया का तो फ़ायदा है कैनेडा का बहुत ज़्यादा फायदा है राइट ना कि आपको सिर्फ इमिग्रेंट्स चाहिए बट आपको काफ़ी नॉलेज भी चाहिए आज दुनिया भर में जितने भी ग्लोबल कॉरपोरेशंस हैं वो सारा लिस्ट उठा के देख लो आप तो टॉप वन हंड्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज में से कितने के सी आज इंडियन औरिजिन हैं राइट तो वाई इज़ यू गेटिंग एवरीबडी वाई नॉट कैनेडा यू you नो know? सो so, ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है अभी रिसेंटली जो इंडो के पैसिफिक स्ट्रेटेजी अनाउंस की सो so, जैसे मैंने अपनी रिसेंट स्पीच में भी बताया था आई वुड नॉट लूज एनी स्लिप ओवर इट क्योंकि हमारी करंट गवर्नमेंट कैनेडियन गवर्नमेंट बातें बहुत अच्छी करती है uh, उसके इम्प्लीमेंटेशन में शायद थोड़ा सा पीछे है राइट वी हैव सीन दैट मोर देन वन इंस्टेंस तो इसमें भी एक कंपल्शन है यूएस का भी प्रेशर होगा uh, कई ऐसे पैक्ट है ओकोस है uh, जिसमें कनाडा को नहीं शामिल किया गया राइट या फाइव आइज में वी वर द लास्ट वन टू डू मेनी थिंग्स तो कनाडा वाज़ फीलिंग लेफ्ट बिहाइंड नॉट ओनली विथ इंडिया बट विथ देयर ओन फाइव आइज पार्टनर्स तो कुछ चीज़ें करनी पड़ती है तो आई थिंक कैनेडा इज डूइंग इट बिकॉज दे नाउ हैव टू डू इट

बड़ा विजिबल है आजकल तो एवरीबडी नोज तो उसमें कोई ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है बट एवरीबडी नोज इट्स ऑल अराउंड अस तो सबसे पहले तो उसको रोकने की ज़रूरत है उसको जहाँ से सपोर्ट मिल रहा है वो कट करने की ज़रूरत है एंड देट विल ओनली सेंड अ मैसेज दैट कैनेडा रियली व्स गुड रिलेशन विद इंडिया जब तक वो नहीं होता तब तक बाकी सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को बोलने का ऑन पेपर डालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा राइट right? Uh, जो आपका अंदर से पहले इलाज करना पड़ेगा बाहर से कुछ भी अच्छा दिखे तो उसका कोई मतलब नहीं है सो so, ये मेरी फीलिंग है मैं बोलता भी हूँ और अपनी कम्युनिटी में बिजनेस लीडर्स पर्टिकुलरली दैट गिव अ लॉट ऑफ डोनेशंस फंडिंग टू पोलिटिकल पार्टीज आई थिंक वी नीड टू पुट आवर केस मच मोर स्ट्रांगली इंस्टेड ऑफ जस्ट हैप्पी टेकिंग सेल्फीज विद पोलिटिकल लीडर्स यू uh, नो you know, क्या करते क्या है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है टू फर्दर दिटर रिलेशन्स और सिर्फ बोल के चले गए वो अब नहीं चलेगा वी आर पास दैट स्टेज कि बस आए अच्छी स्पीच दी यू you नो know, uh, हमने तालियाँ बजाई खाना खाया घर चले गए दैट टाइम इज़ नाउ गॉन राइट नाउ द टाइम इज़ फॉर एक्शन टाइम इज़ टू शो द रिजल्ट कि आप करते क्या है उसका रिजल्ट क्या हो रहा है और फॉलोअप क्या है सो फॉलो अप लेने में शायद वी आर नॉट दैट एग्रेसिव यू नो कि बात हो गई एक साल के बाद दो साल के बाद आपने जो बोला था तो उसका हुआ क्या सो दैट इज़ वॉट वी नीड टू टू डू एंड ददर थिंग आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड इज़ की द मैनी इंडो कनेडियन ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर काम कर रहे हैं कल्चरल है पोलिटिकल है बट अभी भी जैसे जैसे अपने नंबर्स बढ़ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली डिविजन भी बढ़ रहे हैं तो इट इज़ हाई टाइम यू नो दैट मे बी वंस ट्वाइस थ्री टाइम्स एयर ऑल मेजर इंडो कनेडियन बॉडीज़ शूड अपीयर टोगेदर शूड होस्ट सम इवेंट्स टुगेदर जिसमें सारे लोग एक साथ हो स्टेज पे तो मेरी इवेंट्स में हमेशा मैं बाकी सारे चैम्बर्स को इवन मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन को आई इन्वाइट ऑल ऑफ दैम और सब आते भी हैं तो मेरा कोई ऐसा ईगो इशू नहीं है मुझे कोई इन्फेटी कॉम्प्लेक्स नहीं है राइट right? क्यों हम ऐसे अभी भी सोचते हैं कि ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन ये आपका ऑर्गेनाइजेशन यू नो तो एक दूसरे को हमेशा कंपटीशन क्यों सोचते हैं व्हाई कैंट वी डू अ फ्यू थिंग्स टुगेदर कि इसमें क्या नुकसान हो जाएगा किसी का प्रोफाइल उनका बढ़ेगा तो साथ में आपका भी तो बढ़ेगा यू नो अगर वो आपसे कुछ गेन करते हैं तो आप भी तो कुछ गेन करेंगे सामने और ओवरऑल ये एक मैसेज जाएगा कि एट द एंड ऑफ द डे वी हैव नाउ ग्रोन बियॉन्ड दैट नैरो माइंडेडनेस वी हैव ग्रोन बियॉन्ड दैट डिवाइसिवनेस और अभी ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी नहीं चलेगी यू नो एट द एंड ऑफ द डे वी सी वेयर द लार्जर इंटरेस्ट आर नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर आस एंड फॉर आवर किड्स सेकेंड जनरेशन तो आई वुड से अभी कैनेडा इंडिया रिलेशन फाइनली मे बी बाई कम्पल्शन आर ये टाइटेनिक सॉर्ट ऑफ टाइटेनिक तो नहीं बोलूँगा बिकॉज उसका तो एंड बड़ा खराब हुआ था बट इज अ लार्ज शिप विच इज़ नाउ सीम्स दैट यू नो द इट इज नाउ बींग फोर्स्ड टू टर्न स्लोली टूवर्ड्स मोर पॉजिटिव रिलेशन्स और वॉट एवर वी एज अ कम्युनिटी कैन कॉन्ट्रीब्यूट आई थिंक वी शुड कॉन्ट्रीब्यूट इन एनी वे पॉसिबल बाय ब्रिंगिंग पीपल टूगेदर बाई टॉकिंग अबाउट इट पब्लिकली ओपनली ब्लटली समटाइम्स नॉट वरिंग अबाउट कि इसको क्या लगेगा अभी किसी को लगाने की जरूरत नहीं है जब अच्छा काम होगा का तो सबको अच्छा ही लगेगा सो दैट्स वॉट वी नीड टू डू एंड एक शुरुआत अच्छी अभी हो रही है ऐसा लग रहा है Um, uh, uh, देखिए बात यह भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ hmm. वो बात यह है कि हमारे बारे में जो परसैप्शन है मेन स्ट्रीम मीडिया का और पोलिटिकल पार्टीज का और पॉलिसी मेकरस का वो अनफॉर्चुनेटली टू फोल्ड है एक तरफ से तो वो हमारी कंट्रीब्यूशन को समझते हैं मगर दूसरी तरफ हमें अटैक किया जाता है स्पेशली जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफिस में आए हैं 2014 से 14 से कि भाई ये जो आ, इंडियन कम्युनिटी मैं उसको भारतीय कम्युनिटी कहता हूँ में से जो ऑफ कोर्स नेचुरल है कि वो आ, जो धर्मा के लोग हैं वो वो बहुत हैं और वो धर्मा पे एक अटैक हो रहा है आई कॉल माई सेल्फ आई एम हिंदू बॉर्न एन मुस्लिम फेथ बिकॉज ये मेरी आइडेंटिटी है हमें अपनी आइडेंटिटी के बारे में शाये नहीं होना चाहिए अब हम जो बार बार थोड़ा सा अपने आप को हिंदुस्तानी या भारतीय कहने से कतराते हैं हम शाये हैं अपने बारे में भी कि नहीं 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 हम हम चलिए ये नहीं कहते कैनेडा के समाज को कि हम हिंदू हैं क्यों नहीं कहना हमें राइट हमें गर्व से कहना है मैं ये कहता हूँ गर्व से और ये आइडेंटिटी कोई छोटी आइडेंटिटी नहीं है राइट right. ये द मोस्ट पीसफुल आइडेंटिटी ऑफ द प्लैनट मोस्ट नेचुरल वे ऑफ लिविंग द प्लेनेट तो मुझे तो ये बात गर्व के साथ कहनी है mm -hmm. कि भाई मैं हिंदू हूं mm -hmm. भले से मेरा नाम ताहिर है right. मैं मैं अपने आप को कहता हूँ हिंदू बॉर्न इन मुस्लिम फेथ ठीक हाँ हाँ. है इस्लाम इज अ फेथ क्लब बट माई आइडेंटिफिकेशन माई सिविलाइजेशन हिंदू सिविलाइजेशन mm -hmm. अच्छा ये बात क्या हम और आप जैसे जो डेमोनाइजेशन uh, mm. बहुत दिखती है right. हमारे खिलाफ तो क्या हमें ये करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए इसको I mean, see, अपनी आइडेंटिटी को जरूरत नहीं होती है आई मीन एज लॉन्ग एज यू आर नॉट शाय इन इन आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ तो एस्टेब्लिश एस तो अपने आप हो ही जानी है यू नो लेकिन हम शायद कर रहे हैं ना कर रहे हैं बट वो इंडिविजुअली होगा मतलब कलेक्टिवली आप नहीं कर सकते सारी कम्युनिटी को आप एक साथ खड़ा करके नहीं बोल सकते कि सब बोलो यू नो हम हिंदू हैं मुस्लिम हैं वो आ, वो होगा नहीं और होना भी नहीं चाहिए रिलीजन इज एन इंडिविजुअल मैटर तो वो सबके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए वो अपने मैं, you मैं know? भाई आपको टोक रहा हूं। कि बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं right. जो हमारा मेन स्ट्रीम का मीडिया है मेट्रो लैंड ग्रुप है जो hmm. वो बाकायदा टारगेट करके कलेक्टिवली टारगेट करके लिख रहे हैं हम्म hmm. अब ये इसमें फेथ इंडिविजुअल मैटर नहीं रहा राइट right. जब hmm. वो हमें कलेक्टिवली टारगेट करके हमारे खिलाफ जा रहे हैं हम्म hmm. तो हमें भी फिर कलेक्टिवली हम hmm. अपनी आइडेंटिटी के बारे में राइट right. एसरट तो करना होगा सी अब इसमें एक दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा जो आपने नाम में, कि, में किसी मीडिया हाउस का या किसी का नाम नहीं ले रहा बट एक फैक्ट ये भी है कि आज जहाँ जहाँ पे भी एंटी हिंदू एंटी इंडिया जो भी प्रोपेगेंडा चल रहा है अब ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज या मीडिया हाउसेज जो भी हैं इवन एक्डेमिक इंस्टीट्यूशन देर मैनी ऑफ देम यू नो जहाँ पे ये सारा गार्बेज चल रहा होता है उसके फंडर्स कौन है उसमें कई इंडियन ओरिजिन के लोग भी होते हैं और काफ़ी स्मार्ट लोग हैं यू you नो know, काफ़ी स्मार्ट इन्फ्लुएंसियल पीपल दैट गिव मनी फंडिंग तो क्यों देते हो भाई पुल योर फंडिंग यू नो आज दम क्या हो रहा है क्यों हो रहा है इफ़ यू स्टॉप इफ डोंट स्टॉप विल नॉट फंड यू एनी मोर ऐसे मीडिया हाउसेज को हम सब्सक्राइब क्यों करते हैं उसका सब्सक्रिप्शन क्यों लेते हैं उसको पढ़ते क्यों हैं देखते क्यों हैं यू you नो know, ये एक बॉयकॉट वाली बात नहीं है बट एक अवेयरनेस वाली बात है यू सी कि द डे यू स्टॉप सपोर्टिंग दैम आइदर बाय सब्सक्राइबिंग टू दैम और बाय फंडिंग दैम तो अपने आप ये मैसेज जाएगा यू you नो know, कि अब ये नहीं चलेगा सो so, ये इंडिविजुअल अवेयरनेस की बात है और कॉरपोरेट लेवल पे मैसेज ज़्यादा जल्दी जा सकता है बिकॉज वेन द चेक स्टॉप्स पीपल नोटिस राइट तो वो पहले वो चेक स्टॉप करने की ज़रूरत है जहाँ जहाँ पे ये फंडिंग हो रही है एटलीस्ट बाई अवर ओन पीपल तो उसमें अपना फ़ायदा मत देखो कि मेरा नाम उधर लगा है मेरे नाम का बोर्ड लगा है बट वैट वॉट कॉस्ट यू नो सो दैट इज़ वॉट वी हैव टू सी एस्पेशली इन एक्डेमिक इंस्टीट्यूशन और मीडिया हाउसेज जहाँ जहाँ पर भी पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुंस हो सकता है उसको जो जो भी हमारी कम्यूनिटी के लोग फंड कर रहे हैं दे नीड टू टेक स्टॉक कि उनके फंडिंग का यूज़ क्या हो रहा है कैसे हो रहा है

किसी को क्या फ़र्क पड़ता है हमें किसी का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए अगर हम बोल रहे हैं कि नो इंडिया एज अराइव्ड दिस इज़ अवर सेंचुरी तो हमें किसी का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए मुझे तो कभी किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि तुम अच्छे हो बुरे हो ये हो वो हो आई नो वॉट आई एम एंड आई नो वट आई एम केपेबल ऑफ तो अपना काम बोलता है ना इंडियन कम्युनिटी का काम कैनेडा में बड़ा चढ़ बढ़ चढ़ के बोल रहा है आज तो बी प्राउड ऑफ इट एंड बी प्राउड ऑफ योर आइडेंटिटी ऑल्सो हमें अननेसेसरी हमेशा गोरे लोगों का सर्टिफिकेट चाहिए होता है यू you नो know, अगर सौ लोग अपने ही लोग तारीफ करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है अगर पाँच गोरे लोग तारीफ करें तो हम यू you नो know, हाँ वी हैव अराइव्ड तो देट माइंड सेट हैजू चेंज एवरीबडी इज इक्वल आई डोंट लुक एट पीपल हैज ब्लैक वाइट दिस दैट ह्यूमन बीइंग सो बी ट्रू टू योर सेल्फ देन ओनली बाकी सारी चीज़ें बाद में आती है आपसे बहुत सारी बातें हो सकती हैं मगर होती रहेगी आने वाले दिनों में uh, हर शो का एक वक्त होता है लेकिन आज के शो में आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो काम आप कर रहे हैं जिस तरह इस्टेब्लिश कर रहे हैं uh, या इस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं दोनों देशों के तलक को और इतने बड़े नंबर्स हमारे यहाँ पे रहते हैं उन नंबर्स के कॉन्टेक्स में हमारी जो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशनस हैं उनकी अप्रिसशन के कॉन्टेक्स में आप ये बताइए कि आने वाले जैसे कहते हैं फ्यूचर करीब में फ्यूचर में आपको क्या दिखता है कि हम कैसे अपने आप को एज कम्यूनिटी इन पॉलिटिक्स इन मीडिया इन बिजनेस और कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं और यहाँ पर मैं एक दूसरा सवाल भी जोड़ता हूँ कि हमारा मीडिया नेरेटिव जो है यहाँ पे वो वीक है बहुत हुँ. हमारे बड़े बड़े बिजनेस हैं नंबर बड़े हैं कैसे उसको भी हम बेहतर करें अपने मीडिया नेगेटिव को मीडिया का आ, कि जो कि मेरा खुद का भी मीडिया का बैकग्राउंड है तीस साल से थर्टी ईयर्स प्लस तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था 1989 में उस टाइम पे मीडिया को एज ए बिजनेस नहीं देखा जाता था इट वाज लुक्ड अपॉन एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सही चीज़ है वो लोगों के सामने लाए ऐसा व्हीकल के रूप में देखा जाता था एंड देन इन द लास्ट आई वुड से ट्वेंटी ईयर्स फिफ्टीन ट्वेंटी ईयर्स सोशल मीडिया से या इंटरनेट के आने के बाद काफ़ी अदर फैक्टर्स भी हैं तो उसकी वजह से मीडिया में प्रॉफिट का मार्जिन काफ़ी कम हो गया मोस्ट आर रनिंग इन लॉसेस बट उसको इस उस तरीके से देखना भी नहीं चाहिए सो आई थिंक ये प्रॉब्लम तब होती है जब मीडिया इज ऑलवेज स्ट्रगलिंग टू सरवाइव जब तक आप सर्वाइवल मोड में हैं तब तक आप किसी को क्या कोई और आईना दिखाएंगे यू you नो know? क्योंकि वो करने के लिए आपको पहले खुद स्टेबल होना जरूरी है जब तक आपको खुद का नहीं पता कि ये नेक्स्ट फ्राइडे का मेरा प्रिंटिंग का बिल कहाँ से आएगा ही you नो know, या मेरा स्टूडियो का खर्चा कहाँ से निकलेगा तो आदमी क्या किसी के पीछे जाएगा सो so, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हैज़ बिकम अ लग्जरी दिस डेज और जो कॉरपोरेट फंडिंग आती है तो उसकी वजह से भी कई बार आपकी ज़ुबान चुप हो जाती है क्योंकि आप ना कुछ इतना बोल सकते हो ना कुछ दिखा सकते हो राइट right? तो आई थिंक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की फंडिंग इसमें आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट ऑल दो अभी गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा ने काफ़ी फंडिंग दी है कई ऑर्गेनाइजेशन को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स आई पर्सनली डोंट लाइक दैट कंसेप्ट आप गवर्नमेंट से बेल आउट लेके गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते राइट right. और करेंगे भी तो भी दिखाने के लिए बट uh, उस पर काफ़ी लिमिटेशन लग जाती है विच इज़ वेरी ऑब्वियस तो आई वुड सजेस्ट की करने की जरूरत शायद ये है कि मे बी इफ नॉट वन कॉरपोरेट हाउस मे बी अ फ्यू कॉरपोरेट हाउसेज कैन क्रिएट अ पुल एन कॉन्ट्रीब्यूट टू दैट पूल रादर देन इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन अ पर्टिकुलर मीडिया कंपनी ही नो कि आप एक फंड बनाते हो दैट विल फंड दी अदर मीडिया कंपनीज चाहे वो टी वी हो चाहे न्यूज पेपर हो रेडियो हो सो दैट दे आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग एनी पर्टिकुलर मीडिया हाउस बट दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग ऑल द मीडिया हाउसेज इन जनरल यू नो तो उसमें आपका इंडिपेंडेंस भी बना रहता है उसमें आपको फंडिंग भी मिलती है यू कैन डू योर है जॉब फियरलेसली कई बार और ये भी होना चाहिए कि मीडिया हाउस को भी पता नहीं होना चाहिए कि मुझे फंडिंग कहाँ से आ रही है दे शुड नो कि इट्स अ फंड यू नो सपोर्टेड बाय फाइव टेन फिफ्टीन कंपनीज बट किस कंपनी ने कितना दिया वो इतना ज़्यादा हर एक मीडिया कंपनी को बताने की शायद ज़रूरत ना हो Otherwise, it will influence the reporting also. In new concept, I am sure, but I think time has come to have a neutral body, uh, you know, funded by 5, 10, 15 uh, major uh, business houses, primarily Indo Canadian businesses, to create such a fund, maybe run it as a not for profit organization, you know, with board member uh, to have a, a proper oversight. And then you see which are the media houses, which are the publications that are doing a good job for the community, and then you fund them accordingly. So, this way media will survive, journalism will survive, uh, companies can also write it off as the CSR, you know, Joby contribution and then it is a win win for everybody. So, I think that will be a, maybe a practical uh, solution, but uh, someone has to take it to the uh, companies and tell them. कि ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा है आपकी आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है और ये कभी कभी जो नेगेटिव नेगेटिव इंडिया के सामने देख रहे हैं हम उसको आप बैलेंस आउट भी कर सकते हैं यू नो एंड उसका रिच ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट थिंग कि हमारा रिच भी हमेशा अपनी ही कम्यूनिटी तक क्यों होता है आप जो जो चीज़ जानते हो मैं जानता हूँ अब अगर वही चीज़ हम दोनों ही एक दूसरे के साथ बात करते रहे तो उसका मतलब क्या है यू हैव टू टेक इट टू the स्ट्रीम सो चाहे आपका टेलीविजन हो चाहे रेडियो हो चाहे प्रिंट पब्लिकेशन हो यू हैव टू मेक श्योर दैट इट रीच इज so कॉल्ड मेन स्ट्रीम यू नो उसका रीच एज वाइड एज पॉसिबल होना जरूरी है बियॉन्ड योर ओन इमीजिएट कम्युनिटी. तभी तो आप नेरेटिव को बैलेंस कर सकते हो ना जैसे यू आर ऑलरेडी सोल्व ऑन दैट आइडिया तो आगे मैं फिर से वही चीज़ बताऊँ उसका कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से दैट इज़ द शॉर्ट कमिंग दैट वी हैव कि हम अपने ही सर्कल में घूमते रहते हैं बाहर हमारा रिच नहीं होता सो so, बाहर का इन्फ्लुएंस अपने पे होता है अपना इन्फ्लुएंस बाहर बहुत कम ही होता है दैट्स वॉट माई एक्सपीरियंस हैज़ बिन बहुत बहुत धन्यवाद आपने बड़ी अहम बातें की अगर कोई क्विक वर्ड हो इन टर्म्स ऑफ योर यूरोन ऑर्गेनाइजेशन कोई मैसेज देना चाहें तो जरूर हमारे व्यूर्स को दीजिए नहीं मैसेज तो कोई ऐसे पर्टिकुलर नहीं है मतलब एक ही है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, अपनी जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा होती है अपने फैमिली के uh, साथ उसके बाद में अपने जहाँ पे इमीजिएट आप रहते हो वो इमीजिएट सिटी प्रोविंस कंट्री के साथ एंड देन योर कंट्री ऑफ ओरिजिन तो ये सारी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें नहीं हैं यू कैन बी ट्रू टू ऑल ऑफ दैट एट द सेम टाइम uh, you can be uh, very loyal to canada and india both at the same time um, and then if you contribute in any way by bringing people together by contributing your time effort money supporting any worthy causes jisme dono country ko aap kisi bhi tarah se ek dusre ke sath jod sakte ho तो वो आपका कंट्रीब्यूशन ही है हर एक को मिलियनर मल्टी मिलियनर होना जरूरी नहीं है आ, uh, सिर्फ जेब आपकी बड़ी हुई हो तो ही आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो ऐसा मैं कभी नहीं मानता Uh, कई तरीके होते हैं कंट्रीब्यूट करने के तो जो भी हो सकता है वो करें हमेशा एज अ कम्युनिटी हम लोग शायद थोड़ा शॉर्ट टर्म सोचते हैं तो उसका थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लेने की ज़रूरत है हर एक चीज़ का कि ये जो भी आज हो रहा है कर रहे हैं कोई अगर हम बोलते हैं कुछ करते हैं कुछ तो आने वाले दस साल के बाद बीस साल के बाद इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा अपनी सेकेंड जनरेशन के लिए थर्ड जनरेशन के लिए अगर हम सिर्फ इतना सोचें कि 20 साल के बाद इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है एंड इफ़ यू बिहेव अकॉर्डिंगली एंड देन इफ़ यू ऑल्सो कम टुगेदर वंस इन अ वाइल हमेशा तो नहीं हो सकता बट जब भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशंस हो कंपनीज हो अगर हम कुछ साथ मिल करें इट विल सेंड अ वेरी क्लियर विजिबल सिग्नल दैट एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल टुगेदर एंड वी आर ऑल इन दिस टुगेदर तो बहुत फ़ायदा सबका हो सकता है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रगुजार हैं आपने ठीक है बाकी कुछ और जानना हो तो हमारी वेबसाइट तो वैसे स्क्रीन पर नाम तो आपने लिखा ही है बट अदरवाइज इट्स आई मैक डॉट बीज आई एम ई सी डॉट बी आई जेड बहुत बहुत धन्यवाद आप विपुल जी की वेबसाइट आई मैक डॉट बीज बी आई जेड आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं सोशल मीडिया पर भी हैं और विपुल जी को हम और इश्यूज पे भी अपने स्टूडियो में आने वाले दिनों में बुलाते रहेंगे और इस तरह हमारी कोशिश होगी कि टाइग टी से हम जो कम्युनिटी का यहाँ पे एक अवेयरनेस का सिलसिला है और जो हमारी एफर्ट्स हैं कैनेडा में भारतीय कम्यूनिटी की उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि नंबर्स हमारे बड़े हैं कंट्रीब्यूशन भी बहुत है और उसी रेशो में हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की भी ज़रूरत है टैक टी को सब्सक्राइब कीजिए हमारे ऐप्स एंड्रॉयड एप्पल, एमज़ोन और रॉको के आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहें तो पेपॉल पैट्रियन या किसी भी क्रेडिट कार्ड के जरिए हमारे इसी यूट्यूब के चैनल पर आप डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आज की बातचीत मेरे साथ और विपुल जानी भाई के साथ देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया